नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में गुरुवार की शाम से लेकर शुक्रवार की सुबह तक हाई प्रोफाइल ड्रामा चला। जेल अधीक्षक से लेकर अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी इस नाटक को लेकर रात भर परेशान रहे। दरअसल आजीवन कारावास का एक कैदी शुक्रवार को जेल के भीतर से अचानक ही गायब हो गया। जेल प्रहरियों ने काफी देर तक उसे तलाश किया, इसके बाद भी जब वह नहीं मिला तो अलर्ट का अलार्म बजाया गया और फिर फरार कैदी की रात भर जेल के अंदर और बाहर तलाश की गई। अधिकारियों को भी शंका हो रही थी कहीं कैदी भाग तो नहीं गया, जिसके बाद रात भर उसकी तलाश की गई और आखिरकार शुक्रवार की सुबह जेल के भीतर झाड़ियों में छिपे कैदी को पकड़ा गया। तब जाकर जेल प्रबंधन ने राहत की सांस ली। जेल अधिकारियों ने भी माना कि कैदी फरार होने की जुगत में था, लेकिन जब सफल नहीं हुआ तो वह झाड़ियों के पास रात भर बैठा रहा। जानकारी के मुताबिक कटनी जिले के कैमो का रहने वाला आजीवन कारावास की सजा काट रहा कैदी रमेश कोल 32/2014 में धारा 363, 366, 376 और पॉस्को के अपराध में सजा काट रहा है। गुरुवार की शाम को जब सभी कैदियों की गिनती की जा रही थी, उस दौरान बैरक नंबर 9 में एक प्रहरी कम मिला। जेल प्रहरियों ने बार बार गिनती की तो पता चला कि रमेश नाम का कैदी बैरक में नहीं है। जानकारी जैसे ही जेल के वरिष्ठ अधिकारियों को लगी तो सभी के होश उड़ गए। ऐसा लगने लगा कि वही कैदी रमेश जेल से फरार तो नहीं हो गया, लेकिन तुरंत ही जेल का अलार्म बज गया। जेल के वरिष्ठ अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और फिर सभी ने जेल का कोना कोना छान मारा। रात भर तलाश करने के बाद शुक्रवार की सुबह झाड़ियों में मिलने के बाद जेल प्रबंधन ने राहत की सांस ली। 2014 में रेप के आरोप में सजा काट रहा कैदी गुरुवार की रात को गिनती के समय जेल प्रहरियों की आंखों में धूल झोंकते हुए बैरक से गायब हो गए और फिर कैदी और जेल प्रहरियों से छुपाते हुए करीब आधा किलोमीटर दूर नई जेल तक पहुंच गया। यहां आने के बाद वह घनी झाड़ियों में जाकर छुप गया। एक कैदी नहीं मिल रहा है, यह जानकारी जब जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर को लगी तो वह भी अन्य अधिकारियों के साथ जेल पहुंचे और फिर गायब कैदी की तलाश शुरू कर दी। जेल अधिकारी अच्छे से जानते थे कि रमेश का यहां से भागना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, यही वजह है कि जेल के भीतर ही जेल प्रहरी उसे तलाश करते रहे। उप जेलर मदन कमलेश ने जानकारी देते हुए बताया, शुक्रवार की सुबह जब दिन निकला तो पता चला कि नई जेल के पास झाड़ियों के बीच रमेश छुपकर बैठा हुआ था। रमेश को जेल प्रहरी ने पकड़ा और फिर जेल अधीक्षक अखिलेश तोमर के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां उसके खिलाफ सिविल लाइन में थाने में धारा 364 के तहत FIR दर्ज करवाई गई। जेल प्रबंधन के मुताबिक गिनती के दौरान ही यह फरार हुआ है। गुरुवार की रात से लेकर शुक्रवार की सुबह तक उसे तलाश किया गया। जेल से फरार हुए कैदी को तलाश करने के लिए दो सहायक जेल अधीक्षक सहित अन्य जेल प्रहरी रात भर उसे तलाश करते रहे, लेकिन जब वह नहीं मिला तो एक बार फिर से सुबह उसकी तलाश की गई। आखिरकार रमेश तालाब के पास छुपा हुआ मिला, जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। कल शाम को लॉकअप के समय ये रमेश पिता दद्दी निवासी कटनी, लगभग 40 वर्ष उम्र है, ये बंदी है। पूर्व से कभी पेशी में फरार हुआ था, इसको यहाँ भी निगरानी में रखा जाता था और निगरानी में रखा गया और ये अपने सेक्टर से निकल के नई जेल चला गया दूसरे स्थान पे एवं वहाँ पे जाके छिप गया था। जब गिनती हुई फाइनल लॉकअप की तो फिर देखा गया कि एक बंदी कम है, तो जेल अधीक्षक महोदय के निर्देशन में समस्त अधिकारी ने छानबीन की पूरे नई जेल में। क्योंकि अंधेरा हो चुका था रात, तो चारों तरफ पेट्रोलिंग की गई, गार्ड लगाई गई, तो उसके तहत तो जब जैसे ही सवेरा हुआ तो ये बंदी वहीं झाड़ियों में छिपा हुआ था और वहाँ मिल गया, जिसको सतर्कता से बल लगाया गया, ड्यूटी की गई और तालाब के पास वहाँ नई जेल में जहाँ 7-8 एकड़ ज़मीन खाली है, झाड़ियाँ वगैरह है, उधर इसको जब उजाला होते ही दिन में इसे पकड़ा गया। यह जेल का ही कैंपस कहलाता है, जेल की आउटर वाल के अंदर था, फरार नहीं हुआ था, लेकिन उसने प्रयास किया फरार होने का, परंतु जेल के कर्मचारियों अधिकारियों की सतर्कता और ड्यूटी जो की गई रात भर पेट्रोलिंग, उसके तहत ये फरार होने में असफल हुआ। किसका आरोपी है ये, कब से बंद है जेल? ये 376 का मुलजिम है, आजीवन कारावास की सजा में है, 2013 से है, कटनी निवासी है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।